लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है और हमें उसके डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्ट्स का मोशन पता है, उनका वेलोसिटी पता है, उनका एक्सेलरेशन पता है, तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ हमें पता है कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो हम यूज़ करेंगे m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सम ऑफ ऑल मासेस। इस इक्वेशन को हम अगर t के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी आर डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट है डी आर वन वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी प्लस एम टू डी आर टू वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट है एम वन प्लस एम टू। और हमें यहाँ पता है कि इट इज़ दी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मास वी वन प्लस एम टू वेलोसिटी ऑफ मास वी टू, और अगर आगे एम थ्री एम फोर भी प्रेजेंट है तो हम सिमिलर लिखेंगे डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू और सो ऑन। तो इस फार्मूले से हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर हमें डिफरेंट मासेस की वेलोसिटी पता है तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करें सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी तो हमें मिलेगा डी वी सी एम डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू एम वन डी वी वन वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी प्लस एम टू डी वी टू वैक्टर डिवाइडेड बाई डी टी एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एंड सो ऑन। एंड दिस कैन बी डिफाइन एज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम सो ऑन। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हम सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स फोर्स विच इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स पता है सिस्टम पर तो हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर इसमें हम डिफरेंट केसेस ले सकते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम फार्मूला यूज करेंगे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम फार्मूला यूज करेंगे, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और एक्सटर्नल फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम मास, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का यूज कर सकते हैं। थैंक यू। मेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, टू बॉल्स विथ मास m1 इज इक्वल टू 3 kg एंड m2 इज इक्वल टू 5 kg हैविंग वेलोसिटी v1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज इक्वल टू
also 5 meter per second. Both are collide at origin, and we have to find the first, we have to find the velocity of center of mass. देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं. इस क्वेश्चन में हमें अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करना है तो सिंपल हम फार्मूला यूज करेंगे. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन और एम वन की वेलोसिटी प्लस एम टू और एम टू की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू. हमने यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला यूज किया. अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वी वन और वी टू का पता होना चाहिए. चूंकि यहाँ पर v1 x एक्सिस के साथ में 37 डिग्री बना रही है, तो v1 वेक्टर को हम फाइंड कर सकते हैं. इसका x कंपोनेंट होगा v1 cos 37, क्योंकि x एक्सिस के साथ 37 डिग्री बना रही है, और y कंपोनेंट होगा v1 sin 37 डिग्री. हमें यहाँ पर v1 वेक्टर मिलेगा. यहाँ पर v1 का जो cos कंपोनेंट है, सॉरी जो x कंपोनेंट है, विच इज इन नेगेटिव x डायरेक्शन, सो वी हैव टू पुट माइनस v1 cos 37 डिग्री और x डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज i कैप. सिमिलरली माइनस v2 आल्सो हियर, y कंपोनेंट ऑफ v1 इज इन नेगेटिव y डायरेक्शन, सो वी हैव टू पुट माइनस v2 sin 37 डिग्री. And for y direction, it is unit vector j cap. यहाँ पर v1 की वैल्यू पुट करेंगे, इट इज v1. सो v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 5. हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब कभी cos 37 या sin 37 की बात होती है तो यहाँ पर हाइट होता है 3, बेस होता है 5, सॉरी बेस होता है 4 और हाइपोटेन्यूस होता है 5. तो cos 37 हमें मिलेगा 4/5. यहाँ पर यूनिट वेक्टर एज इट इज लिखेंगे i के माइनस, यहाँ पर v1 की वैल्यू 5 और sin 37 बेस सॉरी हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, देन इट विल बी 3/5 j के. ओके, 5 से 5 हम यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें v1 वेक्टर मिला, इट इज इक्वल टू माइनस 4 i cap माइनस 3 j cap. यह हमें v1 वेक्टर मिला. ओके, अब हम v2 वेक्टर फाइंड करेंगे. तो v2 वेक्टर हमें डायरेक्टली यहां से दिख रहा है कि इट इज इन पॉजिटिव y डायरेक्शन, सो इट इज इक्वल टू v2 वेक्टर इज इक्वल टू 5 j cap. यहां पर प्लस 5 j cap लेंगे बिकॉज इट इज इन पॉजिटिव y डायरेक्शन. यहाँ पर हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एम वन, एम वन इज 3 के जी, और वी वन की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 4 आई के माइनस 3 जे के, प्लस एम टू की वैल्यू गिवन है, इट इज ऑफ हमें देखना पड़ेगा एक मिनट, एम टू इज 5 के जी एंड वी टू इज ऑफ माइनस 5 जे केप डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू मीन्स 3/5 के जी. सो वी वन, सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 इट विल बी माइनस 12 आई केप एंड 9 × 9 माइनस 9 जे केप प्लस 25, 5 × 5 25 जे के डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 8 होगा. तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहाँ पर i कंपोनेंट एज इट इज 12 i के, 25 माइनस 9 इट विल बी प्लस 16 जे के डिवाइडेड बाय 8. हम यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो माइनस 12/8 प्लस 16/2 जे के, 12/8 i के, सो इट विल बी माइनस 3/2 आई के प्लस 2 जे के. सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वेक्टर फॉर्म. नेक्स्ट पोर्शन हमें फाइंड करना है सेकंड, अगर हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे तो
वो हमें बता रहा है कि सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकेंड। तो फर्स्ट इनिशियली पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ज़ीरो एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम टी। सो वी हैव वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी वेक्टर इज -3/2 आई के प्लस 2 जे के, और वी हैव टू फाइंड द पोजिशन आफ्टर 2 सेकेंड। तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टी इक्वल टू 2, सो इट विल बी -3, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 i k प्लस 4 j k। सो दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ कोलिजन। ओके, थैंक यू।